हमने लास्ट क्लास में जो कवर किया था वो ट्रांजिएंट आरसी सर्किट तक कवर किया था। मैं उसके आगे पढ़ाता हूँ। आज हम लोग मेजरली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, बट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज कवर कर लेते हैं, लीकी कैपेसिटर। लीकी कैपेसिटर नाम से ही पता चलना चाहिए, लीकी का क्या मतलब होता है? किसी चीज को अगर बोलते हैं लीकी है, इसका क्या मतलब लीक लीक? करना लीक करना मतलब क्या है? निकल जाना, राइट? है ना, राइट। जैसे अगर अगर बोले कि एक टंकी है, टंकी में पानी भर के रखा, मैंने बोला पानी मतलब टंकी जो है वो लीक कर रहा है, इसका मतलब है क्या है? पानी वहां से निकल रहा होगा, है ना। तो यही एनालॉगी अगर ड्रॉ करें कैपेसिटर के लिए तो क्या होना चाहिए? लीकी कैपेसिटर का क्या मतलब होना चाहिए? चार्ज लीक करेगा। चार्ज लीक कर जाएगा। मतलब अगर मान लो कि आइडियली हम सोचें, आइडियली हम सोचें तो जैसे ये कैपेसिटर का प्लेट है, सोचो दिस इज द कैपेसिटर प्लेट, एंड इस कैपेसिटर प्लेट को हमने चार्ज करके छोड़ दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब देखो इनके बीच में एक इंसुलेटर है और दोनों प्लेट को मैंने आपस में कनेक्ट भी नहीं किया है, तो आइडियली इनका चार्ज इन पे रह जाना चाहिए था, है ना? रहना चाहिए था या नहीं? यस मतलब दिस चार्ज शुड नॉट हैव चेंज्ड ऑन ईदर ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स। मतलब दोनों में से किसी के ऊपर भी चार्ज जो है वो हमारा चेंज नहीं करना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव चेंज द चार्ज ऑन ईदर ऑफ देम। जैसे बट प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो इन दोनों के बीच में हम कहते हैं कि इंसुलेटर है। इंसुलेटर कहने का मतलब पुअर कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या? परफेक्ट इंसुलेटर होता है या कंडक्ट करेगा बट बहुत स्लो रेट से। कंडक्ट कंडक्ट करेगा बट बहुत स्लो रेट से। तो इस सेम चीज से अगर सोचो, प्लस से माइनस की तरफ अगर आपने एक कंडक्टर लगा रखा है, भले ही पुअर हो, तो चार्जेस प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे? समझ आ रही है? एंड करेगा इसी वजह से, अगर आप एक कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ भी दोगे ना, तो इंस्टेंटेनियसली तो चार्ज नहीं, डिस्चार्ज नहीं होगा, बट लंबे ड्यूरेशन के बाद अगर आप देखोगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इसी कैपेसिटर को हम बेसिकली लीकी कैपेसिटर कह रहे हैं। मतलब चार्ज ऑन अ कैपेसिटर विल लीक फ्रॉम द थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। सो लीकी कैपेसिटर का मतलब है चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स विल लीक थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये पुअर इंसुलेटर, ध्यान रखेंगे, पुअर कंडक्टर, सॉरी पुअर कंडक्टर। चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विल लीक थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एंड हेंस स्क्रीन सो स्क्रीन लैग कर रहा है, स्क्रीन लैग कर रही है। फ्रीज अच्छा, मुझे दिख रहा है स्क्रीन हैंग भी कर गया शायद। जस्ट अ सेकंड, अभी ठीक है? देखो एक बार चेक करो। यस सर। ठीक है, सो चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स विल लीक थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड हेंस आइडियली, ये आइडियली बात कर रहे हैं, ठीक है। आइडियली द चार्ज ऑन प्लेट्स शुड नॉट हैव डिक्रीज्ड इफ लेफ्ट आइसोलेटेड, बट प्रैक्टिकली प्लेट्स गेट डिस्चार्ज एक आइडियल बिहेवियर है, एक प्रैक्टिकल बिहेवियर है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है, जैसे मान लेते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के दे रखा है एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू रो दे रखी है, ठीक है। तो देखो इस सिचुएशन को क्या हम ऐसे एनालॉगी वाइज अगर ड्रॉ करें तो कैन दिस सिचुएशन बी सीन एज एन इक्विवेलेंट टू अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ रेजिस्टर? क्योंकि रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब जो इंसुलेटर है बेसिकली, पुअर कंडक्टर जिसको कह रहे हैं,
वही पोटेंशियल डिफरेंस तो कैपेसिटर का भी है ना, है या नहीं है? Yes, समझ आ रही है? तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन ही तो हो गए ना, हुए नहीं हुए? सॉरी तो इस केस में अगर आप सोचो, अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज देता हूँ तो क्या ये डिके नहीं करेगा? करेगा ना, ये तो डिस्चार्जिंग सर्किट हो गया ना। इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को अगर लिखोगे तो कितनी लिखोगे? के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। एंड इसकी रेजिस्टेंस को लिखोगे तो क्या लिखोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू को? रो एल बाय ए, तो रो इनटू एल, एल इज लेंथ अलोंग विच द करंट फ्लोस, यहाँ पे वो सेपरेशन डी होगा एंड डिवाइड बाय ए कर लेंगे। अगर आप देखोगे तो इसकी जो डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट टाउ जो हम लिखते थे वो आर सी होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, आर की वैल्यू को लिखे रो डी बाई ए इंटू सी विच इज के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देखो ए कट गया, डी भी कट गया, जो टाउ आ रही है जिसकी वैल्यू को हम आर सी लिखते हैं ये है रो के एप्सिलॉन नॉट। देखो तुम ये जो क्वांटिटी आ रही है ये सिर्फ मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी आ रही है, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं आ रही है कि जो डायलेक्ट्रिक है उसका डायमेंशन क्या है, मतलब या कैपेसिटर का टाइप कैसा है। जैसे सपोजली यही कैपेसिटर अगर स्फेरिकल कैपेसिटर होता, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं होता, तो भी रिजल्ट सेम ही आता। आप ड्राइव करके जब निकालते तो फिर सेम ही रिजल्ट आता। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखते हैं कि लीकी कैपेसिटर के लिए जब हम डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट देखते हैं तो वो रो के एप्सिलॉन नॉट आती है एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डाइमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर एंड हेंस दिस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। गॉट इट? यस सर, यस सर। तो इसके लिए अगर अगर अब अगर कोई मुझे पूछे कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ कितनी है, व्हाट इज करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ कितनी होगी, तो क्या हम बता सकते हैं? ये सब तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता है ना, पता है हमें? Yes, sir. Q की वैल्यू ऑफ़ फंक्शन ऑफ़ टाइम लिखे तो इनिशियल चार्जेस Q एंड e टू द पावर माइनस ऑफ़ t बाय tau. Minus t by tau. अगर करंट ऑफ़ फंक्शन ऑफ़ टाइम लिखे तो इनिशियल करंट कैसे निकालते थे? इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करके, तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस I नॉट एंड इनटू e टू द पावर माइनस ऑफ़ t बाय tau, जहां पे I नॉट विल बी इनिशियल करंट एंड दैट इनिशियल करंट विल बी द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज Q बाय c एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस r। आई गेटिंग इट? तो ये अगर देखोगे तो Q by tau आ रही है, right? Yes sir. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, जो टाइम कांस्टेंट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप ऑफ कैपेसिटर, टाइप ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सबको ध्यान रहेगा, ये आगे बढ़े। यस 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 सर। ठीक है, यस सर। चलो अभी हम अपने आज के टॉपिक पे मूव करते हैं, नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो लिख देते हैं। एक है मीटर ब्रिज, फिर दूसरा है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के ही दो पार्ट्स हैं, एक है एमीटर, एक है वोल्टमीटर एंड फिर लास्ट में है आपका स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर, स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब एक एक करके इनको कवर अप करते हैं। सबसे पहले मीटर ब्रिज लेते हैं। इस सेटअप के थ्रू बेसिकली हम क्या करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस अगर मुझे कोई दे दे तो उसकी वैल्यू को हम एक नोन रेजिस्टेंस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो आपको सिखाएंगे, अभी पहले मैं लिख देता हूं। This setup helps us find an unknown resistance, इसको R UK लिख लेते हैं, UK
with the help of a known resistance. This is RK. The principle of working, agar puche iska kya hai, so this will be balance condition of least frontage. This is based on balance condition of least frontage. चलो अभी देखते हैं कैसे करते हैं. इसका सेटअप पहले ड्रॉ कर देते हैं. देखो ये एक सिंपल सा सेटअप है हमारा यू नो रेजिस्टेंस को फाइंड करने का. एक को अच्छा यहाँ पे एक मिनट रुकिए, ये सिंबल थोड़ा इसको इधर कर लेना. यार देखो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस दे रखा है आर यू के जिसको लिख रखा है, और एक नोन रेजिस्टेंस दे रखा है जिसको आर के लिख रखा है. आर के पास में मैंने रेजिस्टेंस में एक स्लांट एरो बना रखा है, वो इंडिकेट करता है कि वो रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, मतलब वो उसका वैल्यू हमारे लिए नोन होगा. ठीक है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली. मतलब उसमें एक इसको रियोस्टैट बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टैट कहते हैं. उसमें आप यू नो एक नॉब होता है, वो नॉब को घुमा के उसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, वो आपको पता होगा. तो आप जितनी भी डिजायर्ड वैल्यू का चाहते हैं वो नॉन रेजिस्टेंस आप चूज कर सकते हैं. सो नॉन रेजिस्टेंस कैन बी चोजन एज पर योर ओन नीड एंड रिक्वायरमेंट. तो वो हम चेंज कर पाएंगे, इसलिए वहां पे वो दिखा रखा है मैंने वेरिएबल की तरह. अननोन वाले का तो हमको कुछ पता नहीं है तो इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे वैसे, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है. नीचे में जो रेड कलर का स्ट्रिप दिखा रखा है वो एक यूनिफॉर्म वायर है. ये जो रेड कलर की स्ट्रिप से दिखा रखी है मैंने, इसको मेंशन कर देता हूं, दिस इज अ यूनिफॉर्म वायर. यूनिफॉर्म मतलब कि इस केस में इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या मटेरियल है वो लेफ्ट से लेके राइट तक कहीं पे भी चेंज नहीं कर रही है. बीच में एक जगह गोल से जी लिख रखा है, वो गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर का काम यहाँ पे बस मेरे लिए जो है वो अभी करंट को डिफ्लेक्ट कर, मैंने करंट का डिटेक्शन है. अगर उस वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगी इसका मतलब समझ जाएंगे कि वहां पे अगर यू नो करंट है. मतलब अगर डिफ्लेक्शन शो किया गैल्वेनोमीटर इसका मतलब करंट है, अगर डिफ्लेक्शन नहीं शो किया इसका मतलब करंट नहीं है. नीचे में जहां पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है ए बी वायर में उसको जॉकी जे कहते हैं. दिस इज जॉकी जे, मतलब एक स्लाइडेबल पॉइंट होती है उस वायर की जिस मतलब जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है उसको आप ए बी वायर पे स्लाइड कर सकते हो, तो इसको जॉकी कहते हैं. ठीक है, ये स्लाइडेबल पॉइंट होगी. अब क्या करते हो आप पॉइंट जे को ए से लेके बी तक धीरे 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 करके शिफ्ट करते हो, और आप देखते हो कि कहाँ पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिल रही है गैल्वेनोमीटर में. मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू आपको कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलनी चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब है बीच में कोई करंट नहीं फ्लो की. अगर बीच में करंट नहीं फ्लो की तो ऊपर के पॉइंट को अगर मैं कुछ भी एक नाम देता हूं, मान लेते हैं लेट अस से दिस इज एल. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है तो पोटेंशियल ऑफ एल और पोटेंशियल ऑफ जे सेम हो जाएगा. कह सकते हैं नहीं? यस सर. राइट, यस सर. एट नल डिफ्लेक्शन अगर बात करूं, एट नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है. एट नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर potential of L will be equal to potential of J. और potential of L और potential of J अगर same हो गया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये balance condition of free strain gauge है, जहाँ पे एक RJ part दिख रहा है, उसमें मान सकते हैं कुछ ना कुछ एक resistance होगी RJ,
और ये आरजे जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एजे होगा, होगा ही नहीं होगा, राइट? सिमिलरली जो जेबी पार्ट है उसका भी एक रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं, और वो जेबी पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। तो एबी का जो टोटल लेंथ है, एबी का जो टोटल लेंथ है वो जनरली जनरली आपका 1 मीटर का होता है, इसी वजह से इस सेटअप को मीटर ब्रिज कहते हैं। तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर जनरली, बट ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरी वही लेके चलना है। अगर उसने 200 सेंटीमीटर देके आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोला तो आपको वही लेके चलना पड़ेगा। तो एबी लेंथ को मान लेते हैं एल नॉट है, लेट अस से एल नॉट है, तो अकॉर्डिंगली हमें जहां पे नल डिफ्लेक्शन मिल रही है तो वो नल डिफ्लेक्शन के लिए लेंथ कितना मिल रहा है ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास स्केल लगा होता है तो वो स्केल से हम मेजरमेंट करके देख पाएंगे कि यहाँ पे ये लेंथ कितनी आ रही है। तो ये लेंथ को हमने एक्स मान लिया, एजे वाले पोर्शन के लेंथ को एक्स मान लिया, तो जेबी वाले पोर्शन का लेंथ कितना हो जाएगा, एल नॉट माइनस एक्स, लिख सकते हैं? यस सर, ठीक है? तो इसको देखो मैं, तो दिस इज रिटन एज एल नॉट माइनस ऑफ एक्स लिख रहे हैं, ठीक है? तो क्या अगर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए जे विल बी अ कांस्टेंट इनटू एक्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ जे बी विल बी अ कांस्टेंट इनटू एल नॉट माइनस एक्स, लिख सकते हैं ना? समझ आई आपको कि कोई भी एक कांस्टेंट है जो कि यू नो रो रो बाई ए को इंडिकेट करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, रो एल बाई ए लिखते हैं ना, तो दैट के विल बी बेसिकली रो बाई ए, समझ आ रही है? ठीक है, अब देखो बैलेंस कंडीशन अगर है तो आर यू के बाई आर ए जे शुड बी इक्वल टू आर के बाई आर जे बी, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं? Yes, sir. ठीक है? अब इसमें उल्टा भी दिया हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको अननोन रेजिस्टेंस हमेशा लेफ्ट वाले आर्म में मिलेगा, वो राइट वाले आर्म में भी मिल सकता है। तो अगर आर यू के मतलब अननोन रेजिस्टेंस राइट आर्म में होते और नोन रेजिस्टेंस लेफ्ट आर्म में होते तो अकॉर्डिंगली फिर से आप ऐसे लिखते आर के बाई आर ए जे इक्वल टू आर यू के बाई आर जे बी, समझ आ रही है आपको? Yes, sir. तो इसलिए क्वेश्चन के लैंग्वेज में आप ध्यान देना कि उसने नोन और अननोन को किस तरफ ले रखा है, ये चेंज कर लेते हैं वो लोग, कभी अननोन वाले को लेफ्ट में रखते हैं, कभी अननोन वाले को राइट में भी रखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो दिया है उसके अकॉर्डिंग में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं, सो देखो आर यू के डिवाइडेड बाई आर के इज इक्वल टू आर ए जे डिवाइडेड बाई आर जे बी and raj becomes k times of x matlab x and divided by k times of l not minus x matlab l not minus x so dekhoge agar aap to resistance of unknown part ye aapko mil chuki hai x by l not minus x and that multiplied with the known resistance aa gaya theek hai to inko formulas ki tarah ratne ki zarurat nahi hai aap method yaad rakho kyunki simply balance condition of least resistance aur kuch hai hi nahi yahan pe theek hai na are you all getting it एक और चीज का ध्यान रखेंगे जनरली, ठीक है? जनरली जो एल नॉट है वो आपका 1 मीटर होती है, इसीलिए मीटर ब्रिज नाम देते हैं इसको, और ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है? ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें एरर बेस्ड क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एरर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये जो एजे और जेबी लेंथ है ये तो आप मेजर करके ही देख रहे हो ना, स्केल लगाएंगे, एक मीटर स्केल वहां पे लगा होगा और वो मीटर स्केल में ग्रेजुएशन होंगे सेंटीमीटर मार्क वाले, तो वहां पे तो एक्स जब आप मेजर करोगे तो उसमें मेजरमेंट में कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, आएगा ही नहीं आएगा एक्स में मेजरमेंट में एरर? अगर एक्स के मेजरमेंट में एरर है तो एल नॉट माइनस एक्स के मेजरमेंट में भी एरर होगा, होगा? तो दोनों में अगर एरर है तो इन दोनों के एरर की वजह से जो आप अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हो उसमें भी एरर प्रोपागेट करेगा ना, करेगा? तो ये इस केस में ऑब्वियसली एक चीज ऑब्वियस है कि जो एरर आएगा वो काफी कम आएगा, ये चीज तो पक्का है या नहीं है? एरर कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप एक्स चूज कर रहे हो 40 सेंटीमीटर तो 40 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर का एरर होगा, क्योंकि वो मिलीमीटर स्केल होगा तो ऑब्वियसली 1 mm का एरर आप एक्सपेक्ट करोगे वहां पे, समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, एरर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड हियर, एरर analysis based questions can be asked here. अब उसको कैसे सॉल्व करोगे वो मैं जस्ट लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान भी रह जाए। Let L1 equal to x and L2 equal to L0 minus x. So therefore R UK को लिख सकते हैं हम L1 by L2 into RK. ठीक है? So therefore डेल्टा आर यू के डिवाइडेड बाई
आर यू के विल बी इक्वल टू डेल्टा एल वन बाई एल वन प्लस डेल्टा एल टू बाई एल टू प्लस डेल्टा आर के बाई आर के. समझ आ रही है ना आपको? यस सर. ठीक है. ये जो डेल्टा आर के बाई आर के है, जनरली आप देखोगे तो इसकी मतलब अगर क्वेश्चन आप वैसे सॉल्व करोगे तो देखोगे इसमें जनरली कोई एरर नहीं देते, मतलब नॉन रेजिस्टेंस आपको एग्जैक्ट दे देते हैं, तो इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे. ठीक है. सो ये वाली क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी आपका चेंज नहीं करते वो. दिस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, दिस विल बी जीरो सिंस जनरली अगर नहीं दिया हो तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करना पड़ेगा. जनरली आर के इज एग्जैक्टली नोन नोन एग्जैक्ट वैल्यू नोन इन एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक है. तो इस केस में अब देखो जो डेल्टा एल वन और डेल्टा एल टू है वो लीस्ट काउंट ऑफ स्केल होगा ना, होगा ही नहीं होगा? डेल्टा एल वन एंड डेल्टा एल टू आर लीस्ट काउंट ऑफ स्केल. ठीक है. और लीस्ट काउंट ऑफ स्केल तो एक ही है, सो देयरफॉर डेल्टा एल वन विल बी इक्वल टू डेल्टा एल टू इज इक्वल टू एल सी लिख दे रहे. ठीक है. एल सी मतलब लीस्ट काउंट है. सो देयरफॉर अगर डेल्टा आर यू के डिवाइडेड बाई आर यू के कैलकुलेट किया जाए तो डेल्टा एल को कॉमन ले लिया, मतलब वही डेल्टा एल. अच्छा इसको एक काम करते हैं, डेल्टा एल ही लिख लेते हैं, एल सी नहीं लिख के डेल्टा एल ही लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा. तो डेल्टा एल लिख लिया तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाई एल वन इंटू एल टू, यही आएगा ना? आएगा. एल वन प्लस एल टू क्या एल नॉट है? Yes, sir. तो डेल्टा एल इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाई एल वन इंटू, देखो आ रही है. अब इसमें ये पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ कि बैलेंसिंग पॉइंट आप कहां पे रखना चाहिए सच की एरर सबसे कम आए. वेयर शुड द बैलेंसिंग पॉइंट बी सच दैट द एरर इन मेजरमेंट ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस इज लीस्ट. तो देखो डेल्टा एल को आप यू नो चेंज नहीं कर सकते, एल नॉट को चेंज नहीं कर सकते. हाँ एल वन एल टू को चेंज कर सकते हैं, वो रेजिस्टेंस को चेंज करके, मतलब अननोन रेजिस्टेंस को चेंज करके, जो अननोन रेजिस्टेंस होगा वो आपके लिए चेंज होएगा. तो इस केस में अगर सपोजली आप देखोगे डिनोमिनेटर को चेक करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इज एल वन एल टू, तो अगर मुझे डेल्टा आर यू के का वैल्यू, मतलब ये जो फ्रैक्शनल एरर आ रही है, ये फ्रैक्शनल एरर अगर सबसे कम चाहिए तो डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा चाहिए. और एक चीज आपको अगर याद हो तो कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे दो चीजों का सम कांस्टेंट है एंड दो चीजों का प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो दोनों को इक्वली डिवाइड करना होता है, याद है आपको? यस सर. इसका मतलब अगर एल वन और एल टू, देखो यहाँ पे एल वन एल टू जो दो वेरिएबल है उनका सम कांस्टेंट है या नहीं है? राइट. एल वन का प्लस एल टू इज एल नॉट, तो सम कांस्टेंट है, आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए. और दोनों अगर इक्वल हुआ तो कितना होगा, एल नॉट बाई टू. समझ आ रही है? और एल नॉट बाई टू दोनों इक्वल तभी होंगे जब बैलेंसिंग पॉइंट मिड वे आएगी, बीच में आएगी. इसका मतलब अगर अननोन रेजिस्टेंस और नोन रेजिस्टेंस अगर दोनों सेम हो गए तब एरर सबसे कम आएगा, अदरवाइज एरर बढ़ेगा. समझ आई आपको? ठीक है. सो देयरफॉर फॉर डेल्टा आर यू के डिवाइडेड बाई आर यू के to be minimum, L1, L2 का product should be maximum. And therefore, L1 is equal to L2. So therefore, if the null point is midway on wire AB, then the error in measurement will be least. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. एक छोटा सा एप्लीकेशन इस पे देख लेते हैं. In a meter bridge set up to find an unknown resistance in a meter bridge setup to find an unknown resistance x
जस्ट अ सेकंड, यूजिंग अननोन रजिस्टर वाई द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट when y was on the left box. Now a resistance of 100 ohms is connected in parallel with Y and the null point is found to shift by 10 centimeters with respect to previous location. Find x. x कितनी आएगी आपको ये निकालनी है. देखो कितनी आ रही है, जल्दी करो. हुआ अभी तक? नहीं हुआ. इतना टाइम क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन में सर? एक तो जो देखो मैं कर रहा हूँ, चेक करो. 2 मिनट हो गया अभी, इतना ज्यादा टाइम नहीं. 100 अच्छे, 100 अच्छे. अच्छा देख ची, देख ची, देख कैलकुलेशन करिए एक बार. पहले तो y और x का रेशियो कितना आएगा? 40/60 है ना सर? 2/3 आ रही है. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है.
अब सेकंड पार्ट में इधर आओ, पहला चीज ये है कि जब हम 100 ओम्स को वाई के पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं तो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, है ना? यस सर। वाई को अगर हमने पैरेलल में 100 से कनेक्ट किया, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इस टर्मिनल का, जैसे इसको कुछ नाम देते हैं, लेट अस से इसको कुछ भी एक पी, इसको क्यू कह लेते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू जो होगी वो तो डिक्रीज कर जाएगी, है ना? यस सर। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि रेजिस्टेंस ऑफ एजे भी डिक्रीज करना चाहिए, है ना? नल पॉइंट। और रेजिस्टेंस ऑफ एजे अगर डिक्रीज करना है तो जॉकी को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा या राइट शिफ्ट करना पड़ेगा? लेफ्ट शिफ्ट। तो देखो, तो फिर जेफो जे को, जे हैज टू शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है? तो इसीलिए उसने डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट नहीं बताया था, वो डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट आपको खुद से सोचना था कि लेफ्ट शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट करना है। यहाँ पे शिफ्ट किस तरफ हो गया? लेफ्ट। तो बचा कितना? 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। और बाकी बचा कितना? 70 सेंटीमीटर, करेक्ट है? ठीक है ना? यस सर। तो अब हम रेजिस्टेंस का रेशियो अगर लिखे तो कितना लिखेंगे? 100 वाई डिवाइडेड बाय 100 प्लस वाई, ये हो गया रेजिस्टेंस। एंड इसके साथ हम एक्स का रेशियो लें तो ये होना चाहिए 30/700, ये होना चाहिए ना? सॉरी, 70 होगा बेटा, मैं क्या लिख दिया, तो ये हो गया 3/7, ठीक है? ये आपके सेकेंड इक्वेशन आ गई है। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इनको? यस सर। कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो जैसे ही डिवाइड करोगे आपको तुरंत ही मिल जाएगा। सो वी डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन विद द सेकंड इक्वेशन एंड व्हाट यू गेट इज y बाई एक्स इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 100 वाई डिवाइडेड बाई 100 प्लस वाई into x and that will be 2/3 into 3/7 आ जाएगी। ये x cancel out हो गया, ये y cancel out हो गया and what you're getting is 100 plus y into 9 is equal to 1400 and therefore 9y is equal to 1400 minus 900 is 500 and therefore y का value हो गया 500 divided by 9 ohms and therefore x चाहिए था आपको, तो x की value हो गई है 3/2 times of y, so this becomes 3/2 times of 500 by 9, this is 3 and this is 250, so this is 250 divided by 3 ohms. যদি সেটা আতো নেই রা বেটা 100 স্যার স্যার আমি 50/50 নিয়ে নিয়েছিলাম, ওই যেটা আপনি 30/7 ওটা আমি শিফটটা ভুল করেছিলাম। তো আপ সোচ সমঝ কে আপ আপকো জব ইয়ে পতা চল রহা হ্যায় কি শিফট করনা হ্যায় কিধর শিফট করনা ইয়ে নেই সোচেঙ্গে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ র‍্যান্ডমলি কর দেঙ্গে। না 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 স্যার, আই থট দ্যাট প্যারালালে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স কমে যাচ্ছে, কিন্তু ভুল করে ফেলেছি, কি করেছি। ঠিক আছে, ভ্যালু তো নেগেটিভ আসতো তখন। जब रेजिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो तुमको समझ जाना चाहिए कि हाँ तुमने कुछ गलत कर दिया है। তো তো আমি ভাবলাম যে মাঝখানে ইকুয়েশনে কোথায় কি কিছু ভুল করেছি ছোট হয়, তো ওই জন্য নেগেটিভ থেকে। ও মাঝখানে ভুল করলে একটা ছোট নেগেটিভ এর আনসার ডিফারেন্স চলে আসে। বাবা রে বাবা, কে শিখায় তোদেরকে ম্যাথস, কে শিখিয়েছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, চলিয়ে আমি আগে বাড়তে, নেক্সট আগে বাড়তে। নাও উই মুভ টু গ্যালভানোমিটার। गैल्वेनोमीटर्स जनरली यू नो करंट के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, मेजरमेंट के लिए यूज नहीं करते। डिटेक्शन एंड मेजरमेंट में दोनों डिफरेंस है। डिटेक्शन का मतलब ये है कि फ्लो कर रहा है नहीं, बस ये पता कर ले, और मेजरमेंट का मतलब ये है कि कितना फ्लो कर रहा है ये फाइंड करें। तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्शन के लिए क्यों यूज करते हैं, मेजरमेंट के लिए क्यों नहीं यूज करते? इसका रीजन ये है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट हम मैक्सिमम पास करा सकते हैं वो जनरली यू नो मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर के रीजन में होता है।
माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर के बीच में ही जनरली इसकी करंट रेटिंग होती है, मतलब उससे ज्यादा करंट अगर आप इसके थ्रू फ्लो कराओगे तो इसकी कॉइल का जो कॉइल जो है, मतलब जिस कॉइल से बना हुआ होता है वो कॉइल ही जल जाएगा, बर्न हो जाता है वो। तो इसीलिए आप यहाँ पे इसको कभी भी हायर करंट मेजरमेंट के लिए यूज नहीं करते। तो अब कोई बोले तो फिर कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ा दो आप, तो कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तब तो नहीं जलेगा, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ाने से इसका डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा। डिसएडवांटेज ये है कि गैल्वेनोमीटर को या एमीटर को जब आप करंट मेजरमेंट करने के लिए यूज करोगे तो आपको उस ब्रांच में सीरीज में कनेक्ट करना होता है, क्योंकि जिस भी ब्रांच में आपको करंट मेजर करना है आप उस ब्रांच में इसको सीरीज में लगा दोगे। तो अगर इसका रेजिस्टेंस खुद बहुत हाई है तो वो करंट उस ब्रांच का ऑल्टर कर देगा ना, होगा नहीं होगा। मतलब अगर सोचो कि एक ब्रांच में रेजिस्टेंस 5 ओम्स है और उसमें करंट फ्लो कर रही थी पहले, अब तुमने वहां पे उस ब्रांच में एक गैल्वेनोमीटर भी जोड़ दिया और वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लो 5000 ओम्स है, तो 5000 ओम्स अगर रेजिस्टेंस का डाल दिया तो ठीक है, तुमने सोच लिया कि हाँ तो तुम्हारा कॉइल सेफ हो जाएगा, मतलब हाई रेजिस्टेंस का वायर तुमने चूज कर लिया है। बट इफेक्टिवली देखोगे तो करंट जो पहले यू नो 5 ओम्स की वजह से फ्लो कर रहा था 5005 ओम्स के लिए फ्लो करेगा, समझ आ रही है? तो करंट तो काफी कम हो जाएगा ना, समझ आ रही है? तो इससे बेसिकली आपका एरर काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसीलिए गैल्वेनोमीटर्स की जो खुद की रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो काफी कम होनी चाहिए, समझ आ रही है? सो ये खुद की रेजिस्टेंस इसकी काफी कम होती है एंड इसकी करंट रेटिंग भी काफी कम होती है। करंट रेटिंग मतलब कि मैक्सिमम सेफ करंट जो इसके थ्रू पास करा सकते हो आप वो काफी कम होती है, समझ आ रही है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। इट इज यूज्ड मोर इन डिटेक्शन ऑफ करंट रादर देन measurement of current and reason kya hai, since the coil resistance of galvanometer is very low and hence the maximum safe current for galvanometer is also very low. तो अगर मैं galvanometer में ऐसे कभी भी आपको circuit symbol जब दिखेगा galvanometer का तो ऐसा ही दिखेगा, ये तो अभी मैंने draw भी किया था, ये galvanometer है तो इसके पास में generally आप देखोगे तो आपको ऐसे value mark दोंगे, ऐसे RG कुछ एक value दिया होगा resistance का और यहाँ पे current का भी एक rating दिया होता है, ये वाले को हम कहते हैं this is resistance of galvanometer coil, resistance of coil of galvanometer and ye jo ig keh rahe hain ye ig is full scale deflection current kehne ka matlab kya hai ki jaise ye to meter hai na yahan pe to meter mein needle basically ek end se dusre end tak swing karega jaise jaise current badhega तो कहां तक वो बढ़ सकता है, मैक्सिमम कितना दूर तक बढ़ सकता है, वो बेसिकली उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा, समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं? यस सर। ठीक है, इससे ज्यादा का करंट आप इसमें मेजरमेंट नहीं कर सकते, सो दैट इज कॉल्ड एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, अभी जस्ट एक छोटा सा सिनॉप्सिस बोल देता हूँ, डिटेल्स में तो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हम करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे एक जो करंट कैरिंग कॉइल है वो करंट कैरिंग कॉइल बेसिकली एक यू नो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड में जब आप एक करंट कैरिंग कॉइल को रखते हो तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और उस टॉर्क की वजह से आपका कॉइल घूमता है और कॉइल अगर घूमेगा तो फिर उस केस में वो कॉइल एक जगह से लटका हुआ होता है। जैसे यू नो कोई चीज अगर इमेजिन करो ऊपर से आपने लटका रखा है, कॉइल है जो ऊपर से लटक रखा है और वो कॉइल को आप क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, तो ऊपर में ट्विस्टिंग की वजह से एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी आएगा, होगा नहीं होगा? जैसे आप खुद ही इमेजिन करो एक रस्सी से आप लटक गए और आपको अगर कोई टर्न करके एक डायरेक्शन में रख दे तो आप वापस से अनटर्न करके वापस आते हो या नहीं आते हो? Yes, और वापस क्यों आते हो? क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क है उसमें, रिस्टोरिंग टॉर्क का उसको क्या करता है, वापस लाता है, तो छोड़ने पे वापस लाता है, जब तक पकड़ के रखेगा तब तक नहीं ला पाएगा। तो पकड़ के रखेंगे तो फिर उस केस में मुझे भी एक टॉर्क लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क उसमें वापस से उसको पीछे ले जाना चाह रहा है। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क वो लगा रहा है वो आती है डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल, मतलब कितना एंगल घुमा है उसके प्रोपोर्शनल आती है। और जो मैग्नेटिक टॉर्क है जो उसको घुमा रहा है
वो आती है करंट के प्रोपोर्शनल, तो कितना करंट आप गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास करा रहे हो उसके प्रोपोर्शनल, और जब बैलेंस होती है तो दोनों इक्वल हो जाती है। तो अगर दोनों इक्वल हो गया तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन आ जाएगा। सो यही चीज बेसिकली गैल्वेनोमीटर का मेजरमेंट का प्रिंसिपल है। क्या आपको बात समझ आई है? यस सर। ठीक है, इसको छोटे में मैं लिख देता हूँ, बाकी डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग अ करंट कैरिंग, कैरिंग कॉइल placed in a magnetic field experiences a torque due to which the coil turns, rotates and this produces a twist in the suspension point point this pr- produces a twist in the suspension point of the coil and hence creates a restoring torque on the coil when balanced, the turning stops. Therefore, the restoring torque here will be equal to torque due to magnetic field. Torque due to magnetic field जो है, this is proportional to current. ये सब चीजें मैं derive करूँगा. अभी फिलहाल के लिए जस्ट information की तरह याद रखेंगे. Proportional to current. ये I लिख रहे हैं, ठीक है? And restoring torque proportional to deflection है. Proportional to deflection. इसको आप theta लिख सकते हैं. So therefore, theta की value proportional to I, या उल्टा लिख लेते हैं, I की value proportional to theta लिख लेते हैं, I proportional to theta. ठीक है, मतलब theta जितना ज्यादा आएगा current भी उतनी ज्यादा मिलेगी. समझ आ रही है? जैसे theta double हुआ तो आप sure होके बोल सकते हैं कि current भी क्या हो गई है, double हो गई है. समझ आ रही है? Yes sir. ठीक है. Yes sir. इसमें एक और टर्म डिफाइन करते हैं, करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं. करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. करंट सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं बोलूं कि एक गैल्वेनोमीटर है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसका क्या मतलब निकलेगा सर? फॉर स्मॉल करंट इट विल शो अ ग्रेट डिफ्लेक्शन. गुड. अगर छोटा सा करंट पास किया और डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ तो उसको आप बोलोगे कि आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो हाईली सेंसिटिव है. तो इस चीज को मैथमेटिकली हम मेजर करते हैं कि मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा शो करने के लिए हम एक क्वांटिटी मेजर करते हैं जिसको हम थीटा बाई आई लिखते हैं. तो करंट सेंसिटिविटी को आई सेन लिख रहा हूं मैं, और इसको लिख रहे हैं थीटा बाई आई की तरह. अगर ये थीटा बाई आई की वैल्यू अगर ज्यादा आती है किसी गैल्वेनोमीटर के लिए तो समझ जाओ कि वो क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है. क्योंकि देखो अगर करंट कम रखा और डिफ्लेक्शन ज्यादा आया तो इस केस में थीटा बाई आई अपने आप ही ज्यादा मिलेगा ना, होगा नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये करंट सेंसिटिविटी का डेफिनेशन है. तो कई बार ये जैसे ये जो थीटा है ये आपको एंगल पर यूनिट करंट में दे देते हैं या फिर डिविजन्स पर यूनिट करंट में भी कई बार देते हैं. डिविजन्स पर यूनिट करंट में भी कई बार आपको मिलेगा. डिविजन्स पर यूनिट करंट कहने का मतलब क्या है? जैसे बोल दिया कि 40 डिविजन में मुझे 4 एम्पियर का या 4 मिली एम्पियर का करंट मिल रहा है. तो 40 डिविजन के लिए अगर 4 मिली एम्पियर का करंट है तो एक डिविजन में कितना मिली एम्पियर का करंट होगा ये पता चल जाएगा ना आपको. समझ आ रही है आपको? यस सर. ठीक है, तो ये कई बार एंगल के टर्म्स में भी दिए होते हैं, कई बार डिविजन के टर्म्स में भी दिए होते हैं, क्योंकि डिविजन से आप एंगल तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं ना. जैसे 60 डिग्री का एंगल में अगर मैंने बोला कि यू नो 10 डिविजन बना रखा है तो एक एक डिविजन का एंगल कितना हुआ, 6 डिग्री हुआ ना. समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं?
ठीक है, सो दिस इज ऑफन मेजर्ड इज, ये इसको दिस इज ऑफन मेजर्ड इन डिविजन्स पर मिली एम्पियर, एम ए लिखा है मिली एम्पियर के लिए, ठीक है, पर मिली एम्पियर, डीआईवी मतलब डिविजन है, एंड ध्यान रखेंगे ग्रेटर द डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ करंट, वैल्यूज ऑफ करंट this would imply a highly sensitive galvanometer, sensitive galvanometer, ठीक है, yes sir, चलो ये हो गया हमारे लिए galvanometer की बात, अब galvanometer से हम ammeter कैसे बनाएंगे अब उसके बारे में बात करेंगे, conversion of गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ए लिख के अगर गोल बना रहे हैं इसका मतलब एमीटर है, ठीक है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस काफी कम होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैं ऑर्डर लिखा नहीं था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अभी लिख के रख लो डेटा को, जनरली जो आपको आरजी की वैल्यू मिलेगी ना, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर की वैल्यू जनरली आरजी जो होगा वो आपको 50 ओम से तो कम ही मिलेगा, 50 ओम से कम मिलेगा हमेशा, देखना जनरली आप देखोगे 4-5 ओम्स के आसपास भी मिल सकता है, बट 50 ओम से ज्यादा कभी एक्सीड नहीं करता है, और आईजी जो होगा जनरली वो आपका मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के बीच में होगा, आईजी इज इन बिटवीन माइक्रो एम्पियर टू मिली एम्पियर, इसी रेंज में होगा, तो इससे आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही वैल्यूज काफी छोटे हैं, ठीक है, और इसी वजह से छोटे क्यों होते हैं इसका रीजन भी आपको बताया था, क्या रीजन बताया था कि इसको आप सीरीज में कनेक्ट करते हो ब्रांच के साथ, जिस ब्रांच में आपको करंट मेजर करना होता है, तो इसकी खुद की रेजिस्टेंस आपकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अगर आइडियल गैल्वेनोमीटर कह रखा है उसने तो आपको क्या करना है, उसको जीरो रेजिस्टेंस का मान के चलना है, मतलब वो रेजिस्टेंस उस ब्रांच का इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, हाँ लो रेजिस्टेंस होगा तो थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, बट अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या कुछ इफेक्ट करेगा, तब उस केस में क्या होगा, आपको एक्चुअल करंट मिलेगा, अदरवाइज अगर आप रेजिस्टेंस कुछ भी फाइनाइट रखते हो, नॉन जीरो में कुछ भी फाइनाइट रखते हो, तो फिर उस केस में मेजरमेंट में आपका ज्यादा एरर आएगा, ठीक है, अब आते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें उसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा, रिक्वायरमेंट इज टू बी एबल टू मेजर करंट अप टू आई ए मान लेते, ठीक है, आई ए मतलब रेटेड, मतलब इतना दूर तक हमें करंट मेजर करना है, आई ए ये इन इन एम्पियर्स होगा, ठीक है, दिस विल बी इन एम्पियर्स, मिली एम्पियर नहीं, माइक्रो एम्पियर नहीं, ठीक है, मतलब करंट को अगर मिली एम्पियर भी माने तो मिली एम्पियर के कंपैरिजन में मुझे 1000 गुना बढ़ाना है ना, है या नहीं है, राइट, अब ये सोच के देखो अगर मुझे किसी ब्रांच में मुझे करंट मेजर करना है, करंट मेजर करने के लिए ऑब्वियसली मुझे गैल्वेनोमीटर ही यूज करना होगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू आप मैक्सिमम करंट आईजी पास करा सकते हो, उससे ज्यादा पास नहीं करा सकते हो, अब मैंने आपको ये कह रखा है कि ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच के थ्रू आप मैक्सिमम करंट आईए पास कराओ, मैक्सिमम करंट आईए पास कराओ और इसको आप मेजर कर लो, किसके थ्रू, एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, तो क्या ये गैल्वेनोमीटर आईए का करंट टॉलरेट कर पाएगा, नहीं सर, उसका कॉइल जल जाएगा, ये आपको ऑलरेडी समझाया मैंने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक विंडो बनाना पड़ेगा ना, ताकि उधर से बाकी का करंट भाग जाए, है ना, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा दिया, इसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको आरएस लिख रहे हैं, इसको जस्ट शंट कह रहे हैं, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस है ये, या फिर इसको बाईपास रेजिस्टेंस भी कहते हैं, शंट या फिर बाईपास रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, लॉजिकली आप सोच के मुझे ये बताओ कि शंट लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए या हाई रेजिस्टेंस, लॉजिक के साथ,
आपको करंट ज्यादा किस में चाहिए, ये शंट में चाहिए या गैल्वेनोमीटर में चाहिए? शंट में तो चाहिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर आपको याद हो तो आईजी फ्लो कराना है आपको, याद है आपको, है ना? ये किस ऑर्डर का था? मिली एम्पीयर माइक्रो एम्पीयर से मिली एम्पीयर का रेंज है, और ये आपका एम्पीयर का रेंज है, तो बचा हुआ करंट सारा जो जाएगा ऑलमोस्ट तो आई ए ही जा रहा है, आई ए माइनस आई जी अगर लिखोगे आप, सोचो ये अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, आई ए ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस सर, यस सर। तो इस केस में ऑलमोस्ट सारा करंट तो ऊपर वाले ब्रांच में ही चला गया, अगर सारा करंट ऊपर वाले ब्रांच में गया तो फिर वो हायर रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है, हो सकता है क्या? नो सर, नो सर, नहीं हो सकता। सो देयरफॉर क्या कंडीशन सीखा आपने यहाँ पे, अ वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, सिर्फ लो नहीं लिख रहा हूं मैं, वेरी लो कह रहा हूं, क्यों? दो रीजन, पहला चीज ये कि गैल्वेनोमीटर तो खुद ही लो रेजिस्टेंस होता है, और उसके कंपैरिजन में आपको रेजिस्टेंस जो शंट लगा रहे हो उसको भी लो रखना है, तो वेरी लो तो हुआ ही ना, है ना? एंड इनफैक्ट आपको ये ध्यान रखो कि यू नो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब आईजी आरजी का प्रोडक्ट और आईए इनटू आरएसएच का प्रोडक्ट, ये भी सेम होना चाहिए। तो अगर उन दोनों का करंट का रेशियो अगर आप देखोगे तो करंट का रेशियो में तो 1000 गुना का कम से कम फैक्टर तो आएगा ही आएगा, तो रेजिस्टेंस का रेशियो में भी तो 1000 गुना का फैक्टर होना चाहिए ना। करंट आपने अगर 1000 गुना बढ़ा दिया नीचे के ब्रांच के रिस्पेक्ट में, ऊपर वाले ब्रांच में करंट 1000 गुना बढ़ गया है, तो रेजिस्टेंस भी तो 1000 गुना छोटा होना पड़ेगा। यस सर, यस सर, डिड यू गेट इट? यस सर। सो अ वेरी लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट, कॉल्ड शंट हैज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल with galvanometer so that almost entire current passes through shunt. समझ आई सभी को? अब अगर आपको बोले कि शंट की वैल्यू निकालो तो शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम? दोनों का रेजिस्टेंस को आप इक्वेट, पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वेट कर दो, आई ए माइनस आई जी इंटू दी शंट शुड बी इक्वल टू आई जी इंटू आर जी, लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो अगर आप नोटिस करोगे यहां से तो आपको शंट की वैल्यू मिल गई है, सो शंट इज कमिंग आउट ऑफ द आई जी डिवाइडेड बाई आई ए माइनस आई जी एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ आर जी, एंड अगर आप देखोगे फिर से ध्यान से तो आई ए माइनस आई जी को हम अप्रोक्सीमेटली IA लिख सकते हैं, तो दिस विल बी IG by IA एंड into RG हो जाएगी, as IA is very large compared to IG, तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि शंट जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए गैल्वेनोमीटर से। समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो गैल्वेनोमीटर और शंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना है ना, इसी को हम एमीटर कह रहे हैं, इसी को एमीटर कह रहे हैं। मतलब आप ये सोचो, आप ऐसे सोचो, ऐसा एक बॉक्स बना देते हैं, इस बॉक्स के अंदर क्या है आपको वो नहीं दिखेगा, इस बॉक्स के अंदर क्या है यू वोंट बी एबल टू सी इट, जैसे आप एक कार ये मोबाइल ही ऑपरेट करते हो तो मोबाइल के अंदर क्या है आपको तो नहीं दिखता ना, मोबाइल के बाहर आपको इंटरफेस दिखता है, तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा, मतलब जो एमीटर है एमीटर के अंदर जो है वो एक गैल्वेनोमीटर ही होता है, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट पैरेलल में लगा होता है, वो आपको दिखता नहीं है, बट यही चीज एग्जैक्टली अंदर में एग्जिस्ट करती है। तो जो ग्रीन कलर का मैंने बॉक्स बना रखा है बाहर पे बाउंड्री में, ये समझो यही बेसिकली क्या है आपका एमीटर है। समझ आ रही है? यस सर। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, अगर आपको कोई बोले एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है तो बता सकते हैं? RS into RG by RS plus RG. हाँ, मतलब बेसिकली क्या है पैरेलल में है दोनों, है ना? राइट, दोनों पैरेलल में है तो बस वही चीज आप यूज करेंगे, दोनों पैरेलल में है तो उस पैरेलल का कंडीशन यूज कर लो। सो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर अगर हमसे पूछ रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज आर ए लिख रहे हैं इसको, दिस इज आर एस इन पैरेलल विद आर जी। एक चीज नोटिस करो, आर एस तो खुद ही आर जी से बहुत छोटा था,
और आर ए आर एस और आर जी का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो क्या हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एमीटर की रेजिस्टेंस विल बी और भी छोटा हो जाएगा, सो दिस विल बी लेसर देन आर एस विच इज मच लेसर देन आर जी, समझ आ रही है? यस सर। गैल्वेनोमीटर लो रेजिस्टेंस के होते हैं, एमीटर उससे भी ज्यादा लो रेजिस्टेंस का होगा, बट उसकी करंट मेजर करने की एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, समझ आई? ठीक है, एंड ये लो रेजिस्टेंस डिवाइसेस हैं, इसीलिए अगर आपको आइडियल बिहेवियर कहीं पे भी लिख रखा है, जैसे कहीं पे भी मेंशन कर रखा है उसने कि एमीटर आइडियल है, तो आपको क्या मान के चलना है वहां पे, उसकी रेजिस्टेंस जीरो है, और अगर रेजिस्टेंस जीरो है मतलब उसको एक शॉर्ट सर्किट वायर से रिप्लेस करके बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, समझ आई? यस सर। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है, इनको देख के आपको ये ध्यान रखना है कि एमीटर्स when mentioned to be ideal, they will be treated as zero resistance devices. Zero resistance devices. And hence, for solving questions, they can be replaced with short circuited wires. Clear hai? Yes sir. ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप आइडियल बिहेवियर याद रखिएगा, मेजोरिटी केस में आपको आइडियल बिहेवियर की जरूरत पड़ेगी, चलो हमने एमीटर में कन्वर्ट कर लिया गैल्वेनोमीटर को, अब इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। देखो चाहे जब हम करंट मेजर करने के लिए जब हम यूज करते हैं किसी डिवाइस को, तो करंट मेजर करने के लिए ऑब्वियसली हमें उस ब्रांच में सीरीज में लगाना पड़ेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस तो हम दो टर्मिनल के अक्रॉस मेजर करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा ना, है नहीं है? अब किसी भी डिवाइस को अगर सोचो, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे कोई भी एक नेटवर्क है, सोचो यहाँ पे मान लो आपके पास एक नेटवर्क ऑफ ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, सिंपली लिख लेते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब रेजिस्टेंस है, बैटरी है, कैपेसिटेंस है, कुछ भी है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एक है, और मैंने बोला कि इसमें टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ए और बी के अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देना है, और ये वोल्टमीटर आपका काम करके आपको दे देगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दे देगा। तो सबसे पहली डिफरेंस क्या दिख रही है यहाँ पे, कि इसको आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है ना, राइट? यस सर। अब ये सोच के देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे आप कुछ एक करंट दिखाते हो, लेट्स से यहाँ पे करंट आई आ रही थी, वोल्टमीटर आने की वजह से वोल्टमीटर में भी तो कुछ करंट जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? आई वी मान लेते हैं, आई वी इसमें कुछ ना कुछ एक करंट जाएगा। अब अगर इधर आई वी जा रहा है तो इधर क्या बचेगा, आई माइनस आई वी बचेगा, होगा नहीं होगा? अगर इमेजिन करो कि अगर मैंने आपको ये कह रखा है कि मतलब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस को मैंने कम ले रखा है, अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस को कम लोगे आप, तो उस केस में जो आई वी है वो बड़ा होगा, होगा नहीं होगा? यस सर। अगर आई वी ज्यादा होगा तो मतलब नीचे में जो कम करंट जा रहा होगा वो कम चला जाएगा, और अगर नीचे में करंट कम गया तो जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, क्या आपको उतना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उससे कम मिल जाएगा, काफी कम मिल जाएगा, समझ आ रही है? तो आपको आपको आप सोच के देखो कि आपको अगर बोले कि आपको आइडियली मतलब एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब मेजर कर पाओगे, आइडियली एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम तब मेजर कर पाएंगे जब ऊपर के ब्रांच में एकदम नेग्लिजिबली जीरो करंट जाएगा, है नहीं है? अगर जितना पहले करंट फ्लो कर रहा था उतना ही फ्लो करता रहेगा नीचे वाले ब्रांच में, तभी तो हम बोलेंगे ना कि आइडियल कंडीशन है हमारे लिए। अगर नीचे वाले ब्रांच का अगर हमने करंट को ही ऑल्टर कर दिया
तो फिर तो उस केस में हम कैसे एक्चुअल करंट मेजर कर रहे होंगे? समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं आपको? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए रेजिस्टेंस, इसीलिए सोचो ये वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वेरी हाई होना चाहिए ना? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दिस शुड बी अ वेरी हाई रेजिस्टेंस. वोल्टमीटर्स शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस. ठीक है, एंड आइडियली अगर बोले तो वो कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट. समझ आ रही है? आइडियली इनफाइनाइट. तो जैसे एमीटर और गैल्वेनोमीटर में आप क्या कर रहे थे? आइडियल बिहेवियर होने से शॉर्ट सर्किट कर रहे थे, और यहाँ पे आइडियल होने से क्या करोगे? ओपन सर्किट. समझ आ रही है? समझ आ रही है? यस सर. रिप्लेस विद ओपन सर्किट इन क्वेश्चंस. चलो ठीक है, अब हम आते हैं इस पे. ये तो मैंने आपको बस अभी ये समझाया कि वो हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए. अब इस पे आते हैं कि अब इसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू हेल्प से हम वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं. ठीक है, सो कैसे बनाएंगे? देखो, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है. वी हैव अ गैल्वेनोमीटर ओवर हियर. दिस इज जी. दिस हैज अ मैक्सिमम सेफ करंट ऑफ आईजी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ आरजी. तुम ये बताओ कि इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो आप मेजर कर सकते हो वो कितना कर सकते हो? IG into RG? Yes, कर सकते हो ना? Right? Yes, और वो तब होगा जब इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जाएगा. मतलब इसमें अगर आपने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG पास करा दिया, तब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करोगे दैट विल बी IG into RG. Now IG is a small value and RG is also a small value. तो उनका प्रोडक्ट भी तो छोटा ही रहेगा ना? होगा नहीं होगा? बट मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का एबिलिटी चाहिए. मतलब कुछ वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. अब मान लो कि आरजी अगर आप 10 ओम्स का भी लेते हो और आपका आईजी जो है वो मिली एम्पियर में, तो क्या आपको 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का एबिलिटी इसमें दिख रहा है? नहीं. अगर आप चाहते हो कि ये 10 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड कर दो. बट ये रेजिस्टेंस इस बार क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए ना? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राइट. अगर आप हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दोगे तो लो करंट है तो भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी टर्मिनल्स अगर आप निकालोगे तो बढ़ तो जाएगा ना. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसमें आर लिख लिया हमने, तो ये रेजिस्टेंस हमने सीरीज में ऐड किया. क्यों? क्योंकि अब अगर मैं सोचूं कि ये हमारा वोल्टमीटर है, सोचो ये हमारा वोल्टमीटर है, दिस इज दी वोल्टमीटर, तो इसके जो दो टर्मिनल्स है इसको अगर हम ए और बी नाम दे देते हैं, तो ये ए और बी के अक्रॉस जो टर्मिनल दिख रहा है यही बेसिकली हमारा किसका है? वोल्टमीटर का है. दिस इज वोल्टमीटर नाउ. ठीक है, तो ये वोल्टमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वी आर है मान लेते हैं. ठीक है, रेटेड वोल्टेज इसको कह रहे हैं. मतलब इतना पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेजर करने का एबिलिटी होना चाहिए इसमें. तो अब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी जो मैक्सिमम आएगी वही हमारी वी आर होनी चाहिए, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन का वोल्टेज है ये. समझ आ रही है? यस सर. तो करंट देखो, रेजिस्टेंस तो आरजी और आर फिक्स्ड है. अब करंट ही मैक्सिमम लोगे तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम आएगा. तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? आईजी इंटू आरजी प्लस आर, दैट शुड बी इक्वल टू वी आर. And therefore, अगर आप देखोगे तो R की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी. So this will be VR divided by IG and minus of RG. दिख रही है आपको? Yes sir. So high resistance in series लगाएंगे, तब आप जाके क्या करेंगे? एक galvanometer को voltmeter में convert कर पाएंगे. समझ आ रही है? इसकी वैल्यू approximately क्या ऐसी लिखी जा सकती है? VR by IG आएगा. लिखी जा सकती है क्या? Yes sir. Reason? क्योंकि ये होगा वोल्ट्स में, वीआर होगा वोल्ट्स में, आईजी होगा माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर के रेंज में, और आरजी होगा फ्यू ओम्स में, फ्यू ओम्स. तो इसलिए ये डिफरेंस जब आप देखोगे तो आपका ऑलमोस्ट वीआर बाय आईजी ही आना है. समझ आ रही है? सो देयरफॉर
a very high resistance, very high resistance. R has to be connected in series with galvanometer. इसको याद रखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ध्यान रखें आपको. यस सर. यस सर. ठीक है, चलो अभी उस पे बेस करके भी एप्लीकेशंस कर लेते हैं एक बार जल्दी. ये मान लो 10 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, और ये मान लो 500 ओम है. ठीक है, वोल्टमीटर के पास 500 ओम लिख रखा है, इसका मतलब वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ही 500 ओम है. क्वेश्चन पूछा उसने, फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वोल्टमीटर रीडिंग. वोल्टमीटर के रीडिंग में कितना परसेंटेज एरर आएगा वो आपको फाइंड करना है. मैं करूंगा, आप देखना यहाँ पे. पहली चीज आप ये नोटिस करो कि वोल्टमीटर में रीडिंग में एरर क्यों आ रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस उसने एक फाइनाइट दी है. अगर वो इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस का होता तभी तो आइडियल होता ना. Yes, क्या ये इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस का है या फाइनाइट रेजिस्टेंस का है, पहला चीज ये सोचो आप. फाइनाइट रेजिस्टेंस. और अगर फाइनाइट रेजिस्टेंस है तो पक्का है एरर आएगा. क्यों? क्योंकि उसने देखो, जो अगर आप देखोगे तो 5 ओम्स के साथ जब वो पैरेलल में आएगा तब वो उस ब्रांच की रेजिस्टेंस को कम कर देगा ना, करेगा. यस सर. राइट, अगर ब्रांच की रेजिस्टेंस कम हो गई है तो फिर इस केस में जो ब्रांच में, मतलब मेन ब्रांच में जो करंट जाएगा, जिसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे ये आई है, सोचो ये आई की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी या नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया. समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर. अगर आपने, मैंने उल्टा बोला क्या, करंट की वैल्यू, मैंने करंट को बढ़ाना बोला या घटाना बोला, मुझे याद नहीं आ रहा. घटाना. घटाना बोल दिया. नहीं नहीं, बढ़ेगा ना. अगर अगर रेजिस्टेंस घटा है तो करंट तो बढ़ेगा ना. यस. मैंने बढ़ेगा बोला या घटेगा बोला? करंट. यू सेड इट डिक्रीजेस. नहीं नहीं नहीं, करंट क्यों डिक्रीज करेगा, वो करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी. यू हैव डिक्रीज द रेजिस्टेंस सो यू विल फाइंड दैट द करंट विल इंक्रीज. यस. करंट अगर इंक्रीज किया तो जो राइट साइड में जो 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है ही नहीं है. Yes, समझ आ रही है? ये 500 इन पैरेलल विद 5 आने से रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट डिक्रीजेस, सो देयरफॉर करंट इंक्रीजेस. ये सब एनालिटिकली आपको बता रहा हूं. और करंट अगर इंक्रीज की तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं इसको अगर ऐसे लिख लेता हूं, ये डेल्टा वी लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा वी की वैल्यू ये इंक्रीज कर जाएगी, करेगी नहीं करेगी? Yes, sir. समझ आई? तो अगर उसका इंक्रीज किया तो वो 5 वोल्ट से ज्यादा आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि आइडियली कितना आना चाहिए था, 5 वोल्ट आना चाहिए था ना. क्योंकि अगर वो वोल्ट मीटर नहीं होता, अगर वो वोल्ट मीटर नहीं होता तो दोनों में 5-5 वोल्ट आता ना. यस सर. यस सर. और वोल्ट मीटर आने से अब राइट साइड वाला जो रेजिस्टेंस है उसका 5 वोल्ट से ज्यादा है. तो अगर मैं वोल्टमीटर रीडिंग की बात करूं, तो वोल्टमीटर की रीडिंग की बात करें, वोल्टमीटर रीडिंग जो होगा, रीडिंग जो आएगी, दैट विल बी लेस देन 5 वोल्ट. सही है? तो और अगर 5 वोल्ट से कम आ रहा है तो एरर तो आया ना, क्योंकि एक्चुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, 5 वोल्ट. यस सर. समझ आई?
तो एरर क्यों आ रहा है मैंने आपको वो समझाया। ये सब एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चंस एकदम बिल्कुल, जैसे कहां पे बढ़ा कहां घटा बस इतना कंपेयर करना है, तो उसके लिए कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो मैंने कहीं पे न्यूमेरिकली सॉल्व किया क्या इसको? नो सर, बस मैंने लॉजिक यूज किया कहां बढ़ रहा है कहां घट रहा है, बस ऐसे ही सोचा है, ठीक है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अब हम ये फाइंड करें कि वोल्टमीटर रीडिंग में एरर कितनी आएगी। तो पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज एरर निकाल रहे कैसे है। परसेंटेज एरर ऐसे निकालेंगे आप जो आपको वोल्टमीटर की रीडिंग मिल रही है उससे आप जो उसकी यू नो आइडियल रीडिंग होनी चाहिए थी उसको सब्ट्रैक्ट करिए, डिवाइडेड बाय आइडियल लीजिए एंड इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करिए। समझ आई? वी आइडियल कैसे निकालोगे? वी आइडियल निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर आपको इनफाइनाइट मानना पड़ेगा। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर को आप इनफाइनाइट मानेंगे, समझ आ रही है? मतलब ओपन सर्किट, वोल्टमीटर ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट, ठीक है। सो देयरफॉर वोल्टमीटर की आइडियल रीडिंग, सॉरी आइडियल रीडिंग कितनी होनी चाहिए थी? दैट शुड हैव बीन 5 वोल्ट। समझ आई आपको? आपको अगर नहीं समझ आ रही तो आप एक स्टेप बढ़ा लो, 10 divided by 10 into 5, 10 वोल्ट बाई 10 ohms into 5 ohms, so that will be 5 volt. ये हो गया ideal, but practically तो इतना नहीं है। Reading कैसे निकालोगे? Voltmeter की जो reading आएगी, that will be equal to 10 divided by equivalent resistance, which is 500 into 5 divided by 505 plus 5, and this multiplied with 500 into 5 divided by 505. देखो समझ आ रही है क्या आपको? समझ आई है? Yes sir. ठीक है, अब बस कैलकुलेशन बचा है उसको कर लेते हैं एक बार। सो ये तो आ जाएगा 101, सो यहाँ पे बच रही है हमारे पास 10 divided by 1005 into 500। देखो को चेक करो, ठीक है? Yes, sir. इस वैल्यू को अगर आप देखोगे तो यार ये 5000 divided by 1005 volt आ रही है। तुम अगर देखोगे तो 5 वोल्ट से जस्ट थोड़ा सा छोटा है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. अभी इसको कैलकुलेशन में ऐसे ही रहने दो, अभी इसको फर्दर सिंपलीफाई नहीं करो। 5 से कट रहा है वो आप बाद में देखेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखो अब हमारा वो फाइनल परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज एरर निकालने का तरीका क्या था? जो वोल्टमीटर की जो रीडिंग आई है वो आ गई है 5000 divided by 1005, और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को, डिवाइडेड बाय 5 लेंगे एंड फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी वैल्यू आएगी 5000 में से 5025 सब्ट्रैक्ट हो गया तो -25 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 into 1005 एंड into 100% आएगा। यहां माइनस हो सकता है, माइनस क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल रीडिंग आ रही है वो प्रैक्टिकल रीडिंग से तो कम आ रही है ना, मतलब आइडियल जो आइडियल रीडिंग आनी थी वो 5 वोल्ट आनी थी, जबकि जो रीडिंग आ रही है वो तो 5 वोल्ट से कम आ रही है, तो कम मेजर करेंगे तो फिर तो जब परसेंटेज एरर बोलोगे तो फिर तो नेगेटिव के साथ ही बोलना पड़ेगा ना आपको, ठीक है? इसीलिए वो नेगेटिव उसी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये 5 यहां से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड अगर आप देखोगे तो ये 5 divided by 1005 है, तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं दिस इज -1/201 एंड इनटू 100% में। क्या इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली -0.5% बोला जा सकता है? बोला जा सकता है? यस सर, हो गया आंसर यही। अब इसमें देखो मैंने वोल्टमीटर को सिर्फ 500 ओम दिया था, सिर्फ 500 ओम्स लेने से जो परसेंटेज एरर आ रही है वो परसेंटेज एरर देखो 0.5% का है। अगर मैं इसको 5000 ले लेता तो सोचो कितना कम आता, मतलब एक मतलब आधा परसेंट का भी एरर नहीं होता। समझ आ रही है आपको? Yes, ठीक है, yes, तो इसीलिए
मतलब सर्किट में जैसे 500 बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो अवेलेबल रेजिस्टेंस उस सर्किट में था उसके कंपैरिजन में काफी बड़ा था। अगर मान लो ये रेजिस्टेंस जो आप यूज कर रहे थे मतलब 5 ohms की जगह अगर मान लो कि 50 ohms होता तो फिर एरर बढ़ जाता। अगर 500 हो जाता तब तो एरर और भी ज्यादा बढ़ जाता, क्योंकि उस केस में वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस देखो रिलेटिवली बड़ा छोटा जो होता है वो हमेशा रिलेटिव होता है। तो 500 ओम्स को मैं बड़ा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 ओम्स के कंपैरिजन में वो 100 गुना है। अगर ये 5 ओम्स की जगह 500 ओम्स लिख दोगे तो 500 के कंपैरिजन में 500 क्या बड़ा होगा? नहीं होगा। तो उस केस में एरर काफी ज्यादा आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A galvanometer of resistance X is shunted by resistance Y, due to which current in the branch increases. To keep this current of main branch unchanged, what resistance R should be connected and how? इसको लॉजिकली आप पहले बताइए कैसे करेंगे, लॉजिकली उसके बाद फिर फॉर्मूला वॉर्मूला यूज करेंगे, पहले लॉजिकली बताइए। क्या वो किसी को नहीं स्ट्राइक कर रहा है? करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब पैरेलल में लगा होगा तभी तो। ओहो, शंट का मतलब ही तो पैरेलल होता है, गधी लड़की। पहले पार्ट में तो कोई डाउट नहीं है, तुमको सेकंड पार्ट में फाइंड करना है कैसे कनेक्ट करना है आर को। बेवकूफ एक नंबर की। शंट से फिर सीरीज में लगा देंगे। शंट से सीरीज में लगा दोगे? देखो पहली चीज ये है कि अगर करंट इंक्रीज की तो क्यों की? करंट इंक्रीज करने का रीजन ये है कि उस ब्रांच का रेजिस्टेंस आपने डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज किया ना रेजिस्टेंस, क्योंकि जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। रेजिस्टेंस घटने से जो करंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि करंट को वापस से हम डिक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस को फिर से बढ़ाना पड़ेगा ना आपको, राइट? तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने का तरीका क्या है? सीरीज में कनेक्ट करना। तो पहले आपके पास ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर, इसके साथ एक शंट लगा हुआ है, इसको वाई कह रखा उन्होंने और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को उसने एक्स कह रखा है। यहां से रेजिस्टेंस ये वाली करंट जो है, ये वाली करंट आपकी डिक्रीज कर गई है, दिस करंट हैज डिक्रीज। तो इस करंट को वापस से इंक्रीज करानी है तो आप क्या करोगे यहाँ पे? आप रेजिस्टेंस को वापस से बढ़ा दो। रेजिस्टेंस बढ़ाने का तरीका क्या है? सीरीज में कनेक्ट करना। ये रहा, हो गया काम। दिस इज आर, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, और ये करंट वापस से इंक्रीज कर जाएगा। समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैंने उल्टा लिख दिया ना। ओहो, यहाँ पे डिक्रीज नहीं, पहले तो इंक्रीज किया था बाद में डिक्रीज करेगा ना। सिंपल बात है, रेजिस्टेंस पहले पैरेलल में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस घटा, रेजिस्टेंस घटने से करंट इंक्रीज किया, एंड फिर हमें वापस चाहिए था कि पुराना वाला चाहिए, तो फिर उस केस में आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना था तो उससे आपने करंट को डिक्रीज करा दिया। समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, तो अब अगर ये
डिक्रीज करके बैक टू प्रीवियस वैल्यू हो चुकी है, बैक टू एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल मतलब, एक्चुअल मतलब कि जब सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था, कोई शंटिंग वंटिंग नहीं थी. तो फिर उस केस में आप सोचो कि अगर मैं x इन पैरेलल विथ y एंड इन सीरीज विथ r लूं, तो क्या इसकी वैल्यू को x से मैच करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले सिर्फ g था, g के साथ हमने शंट कनेक्ट किया था, तब हमारा करंट इंक्रीज किया था, याद है? Yes, sir. Right? Yes, तो सबसे पहले कौन था हमारा? सिर्फ g था ना, राइट? सिर्फ x था, मतलब गैल्वेनोमीटर था सिर्फ. समझ आई? इसीलिए x से इक्वेट किया. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर. यस सर. सो xy / x + y यस सर + r हैज टू बी इक्वल टू x, सो देयरफॉर r की वैल्यू बिकम्स x माइनस ऑफ xy / x + y एंड देयरफॉर दिस बिकम्स x स्क्वायर / x + y. ओके okay, आंसर ठीक है. क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. The resistance of an ammeter is 13 ohms and it can detect current up to 100 milliampere. After an additional shunt has been connected, it becomes possible to measure current up to 750 milliampere using the setup. Find shunt. Shunt कितनी आएगी आपको ये निकालनी है. कोई formula रटना नहीं है आपको, बस एकदम basic principle याद रखना जैसे मैंने आपको करना सिखाया है. आपके पास एक ammeter है, उसने कह रखा है this is an ammeter. एमीटर कैसे बनता है? एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस शंट लगा के, यही ना, याद है? यस सर. इसकी जो करंट मेजर करने की एबिलिटी है वो 100 मिली एम्पियर तक है, इससे ज्यादा नहीं मेजर कर सकता ये, ठीक है? बट उसने कह रखा है कि अब जब मैं एक शंट लगा देता हूँ तब मैं 750 तक मेजर कर पा रहा हूँ. तो अगर यहाँ से 750 मिली एम्पियर आ रहा है तो क्या 100 से ज्यादा मैं इस नीचे वाले सेटअप के थ्रू भेज सकता हूँ? नहीं. तो रिमेनिंग किधर से भेजना पड़ेगा मुझे? ऊपर एक ब्रांच लगाना पड़ेगा. यस सर. राइट. तो अगर आप देखोगे तो अब गैल्वेनोमीटर के साथ दो शंट हो गया है, नहीं है? पहले ही एक गैल्वेनोमीटर में एक शंट लगा के तो एमीटर बनाया था, अब एक और शंट लगा दिया और उस शंट के साथ अब हम 750 मिली एम्पीयर तक मेजर कर पा रहे हैं. इसीलिए देखो उसने एडिशनल शंट कह रखा है. एडिशनल मतलब पहले से एक शंट तो था और उसके बाद फिर एक और शंट लगाया. समझ आई? यस सर. 750 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 650 ऊपर का ब्रांच में है. रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना है? 13 ओम्स का है. तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, मतलब 650 मिली एम्पियर इनटू आर शुड बी इक्वल टू 100 मिली एम्पियर इनटू 13. ठीक है ना? देखो तो चेक करो. यस सर. देखो R की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 ohms. दिख रही है? दिख रही yes, है? Yes sir. Yes sir. 2 ohms का लगाना था. कोई confusion? No sir. आप लोगों को formulas रटने नहीं है, आप तरीका ध्यान रखो, नहीं तो फिर questions नहीं solve कर पाओगे. Okay, next question try करते हैं. A galvanometer of resistance 50 ohms is connected to a battery
along with 2950 ohms in series. A full scale deflection of 30 division is obtained. To reduce this deflection to 20 division, what resistance should have been placed instead of 2950 ohms? बताइए क्या आएगा, जल्दी करिए. सर 4450 4450 4450 आ रही है सबकी 4450 हाँ सर ठीक है अगर आ रही है तो अच्छी बात है देखते हैं यस सर ठीक है बेटा चलो अच्छी बात है इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए सिंपल क्वेश्चन था अगर हम करंट निकालते हैं उस केस में फर्स्ट केस मतलब जो दिया हुआ डेटा था फर्स्ट पार्ट में तो करंट की वैल्यू निकालते तो वो आती कितना वोल्टेज था गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इतना अच्छा ठीक है ये वोल्टेज को भी मान लेते हैं ईएमएफ ऑफ बैटरी होता एंड डिवाइडेड बाई ये करते तो 50 + 2950 ये लिखते ना yes, sir. Right? Yes, sir. So this would have been V divided by 3000 ohms aata. And this is equivalent to, hum keh sakte the, this is equivalent to 30 division. Hai ya nahi hai? Yes, sir. And aapko pata hai ki current ki value also, we know that current ki value is proportional to deflection, right? Hai na? And deflection proportional to number of division hoga. इसका मतलब कि एक डिवीजन अगर सोचें तो याद ऐसे डायरेक्टली निकाल लेते हैं कि 20 डिवीजन हमें चाहिए तो 20 डिवीजन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू कितना करंट होता V डिवाइडेड बाय 3000 इनटू 2/3 यही होता ना क्योंकि 20 बाय 30 करते राइट यस सर तो इसको कैसे लिखते हैं दिस वुड बी 2V डिवाइडेड बाय 9000 ये लिखते हैं ना Yes, sir. And इसकी वैल्यू को आप यहाँ लिखते तो this would have been V divided by 50 plus the resistance which was placed in place of 2950, right? Yes, sir. यही आएगा ना? Yes, sir. ये भी और ये भी तो cancel out हो गया. And अगर आप notice करोगे यहाँ पे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है 100 plus 2R या इसकी जरूरत नहीं है ये तो डायरेक्टली लिख रहे हैं ये बेकार कर लिया हमने आर की वैल्यू आ रही है 4500 माइनस 50 सो व्हिच इज 4450 ओम्स आ गई समझ आई सभी को यस सर ठीक है चलो
चलो अभी अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं पहले, एक और this is 12 ohm, this is 4 ohms, this is 8 ohms, this is 10 ohms, this is 4 ohms, this is 2 ohms. आपको ammeter reading find करनी है. Ammeter reading. Ammeter का resistance आपको दिया है क्या? No sir. नहीं. और अगर resistance नहीं देगा इसका मतलब क्या मानना है हमें? शॉर्ट सर्किट मतलब उसको कोई काम नहीं है वहां पे, बस करंट उस ब्रांच का निकाल लो वही आंसर हो जाएगा. देखो क्या रहा आप कुछ चीजों का ध्यान करो. देखो पांच रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, देयर इज हाई लाइक हाई पॉसिबिलिटी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन होगा. अगर पांच रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दे रखा है तो बहुत ज्यादा लाइकली है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होगा क्वेश्चन में. देखो तो आ रहा है क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन? यस सर. आ रहा है 4:8, 2:4 दिख रही है आपको? यस सर. दैट्स इट, काम हो गया. आप मेहनत इतना करना ही नहीं है, ये रेजिस्टेंस हट जाएगा. This is balanced condition of Eastern Ridge. Balanced condition of Eastern Ridge. तो ऐसा नहीं है आपको you know मैंने नाम से Eastern Ridge के क्वेश्चन आते हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. और जैसे ही ये काम आपको दिख गया कि Eastern Ridge का बैलेंस कंडीशन है तो 10 ohms को हटा दिया. अब ऊपर का जो ब्रांच है मतलब 4 और 2 का जो सीरीज है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट. तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 6 ही तो जाएगा ना, होगा नहीं होगा? यस सर. 2 एम्पियर, यही आंसर हो गया. सो रीडिंग इज 2 एम्पियर. गॉट इट? यस सर. यस सर. ठीक है.
if voltmeter reads 0 volt, then find R. R कितनी आएगी आपको ये निकालनी है. देखो कितनी आ रही है. क्या इतना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए? ओके, देखो जरा चेक करो. अगर मैं ये टर्मिनल ए और बी मार्क करूं तो टर्मिनल ए बी के अक्रॉस दो बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है? दिख रही है आपको? Yes. तो इक्विवेलेंट ईएमएफ अक्रॉस ए बी, इसको जीरो लिखना है. तो आपको याद है फॉर्मूला क्या है? E1 by R1, E2 by R2, माइनस करके इक्वल टू जीरो, राइट? यस यस सर. हो तो क्या? सो 12 डिवाइडेड बाय 3 शुड हैव बीन इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय R प्लस 3, राइट? राइट? यस सर. यस सर. 3 तो है ना, 12 by 3, हाँ ठीक है. तो ठीक है, so this is 4, 7.5, so R की वैल्यू आ गई है 4.5 ohms हो गया. आप सोचो इतना छोटा सा क्वेश्चन, आप इतना टाइम लगा रहे हो. 3 मिनट मैंने वेट किया, किसी ने आंसर नहीं किया. अगर आपको नहीं भी ये स्ट्राइक करता, अगर ये नहीं भी स्ट्राइक करता, तो आपको पता है कि वोल्टमीटर आइडियल है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं दी है वोल्टमीटर की. तो सिंगल लूप सर्किट बन रही है. Yes, बन रही है सिंगल लूप सर्किट. यस सर. तो ये सिंगल लूप सर्किट के लिए अगर मैं यहाँ पे ये सिंगल लूप सर्किट में अगर करंट फाइंड आउट करूँ, तो ये करंट कितना होना चाहिए? ये आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए पहले? अगर ये सोचो, ये आई की वैल्यू पहले निकाल ही लेते, काम करते हैं, आई की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो देखो 12 वोल्ट और 30 वोल्ट सीरीज में है, तो 42 हो गया. 42 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 3 × 3 = 6 आर. सो आर प्लस 6 ये हो गया, राइट? एंड इधर से देखो आप, ए बी लेफ्ट साइड से देखो, एक बैटरी है 12 वोल्ट का और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम से दिख रहा है, 12 वोल्ट 3 ओम दिख रहा है. Yes, sir. तो इसमें कन्वेंशनल फ्लो है. कन्वेंशनल फ्लो में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रही है, तो इसका मतलब करंट कितना होना चाहिए? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस का, राइट? Yes, sir. तो yes, इसको अगर ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस से आप इक्वेट करते, ईएमएफ कितना है? 12 डिवाइडेड बाई 3. समझ आई आपको क्या किया मैंने? समझ आई क्या किया मैंने? Yes, sir. So, यहाँ पे ये 3, 4 से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 10.5 एंड फिर 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो R की वैल्यू आ गई है 4.5. हो गया. कोई एक चीज तो करते, ये सब चीजें आपको करना चाहिए. अब ये सब चीजें तो एक्सपेक्ट नहीं करो इतना टाइम वेस्ट करने का, फिर नहीं तो फिर बाकी सब जो क्वेश्चन लेंदी होंगे उसमें क्या करोगे? ये सब तो एक एक लाइन का क्वेश्चन है, इन सब में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. चलो एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं. स्ट्रेस्ड वायर पोटेंशियोमीटर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है.
stretched wire potentiometer. मैं पहले इसका एक सेटअप ड्रॉ कर लेता हूँ. देखो ये सेटअप बेसिकली हमारा यू नो स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर का है. इसमें एक बहुत ही लंबी वायर होती है ए बी, वो जनरली आपका 10 मीटर का होता है. जनरली 10 मीटर का होता है, मतलब 10 मीटर का वायर का लेंथ आप सोच लो कितना लंबा होगा. आप 1 मीटर करके 10 बार ले लो, बहुत लंबा वायर है ये. सो 10 मीटर का वायर है हमारा ए बी, बहुत लंबी वायर है. और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, एक लूप बना रहे हैं. ऊपर का पार्ट दिख रहा है, एक लूप है वहां पे ऊपर दिख रही है. यस सर. तो ऊपर वाले पार्ट में करंट कितनी फ्लो करेगी ये हम सिंगल लूप के लिए यू नो निकाल सकते हैं. ये करंट आएगी ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कितनी है इस लूप में, आर तो है प्लस आर भी है एंड प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, ये भी तो होगा, होगा ना. यस सर. ठीक है, तो ये हमने करंट निकाल लिया. अब ये करंट निकालने के बाद क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी निकाल सकते हैं? यस सर. निकाल सकते हैं? Yes, sir. बस मुझे क्या करना है, लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ एबी से मल्टीप्लाई कर देना है ना. करंट की वैल्यू को रेजिस्टेंस ऑफ एबी से मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एबी भी मिल जाएगा. तो मैं वही लिख रहा हूँ, देखो एक बार. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एबी चाहिए. सो लिखेंगे करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ एबी. सो करंट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ईएमएफ बाय आर प्लस आर प्लस आर एबी एंड दैट मल्टीप्लाइड विद आर एबी. ठीक है, अब लेंथ ऑफ ए बी भी आपको पता है 10 मीटर का है. तो अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इस वायर का कितना है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट याद है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. यस सर. तो पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर ए बी का आप निकाल चुके हो और लेंथ ऑफ वायर ए बी से अगर आपने डिवाइड कर दिया उसको, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर ए बी ले रखा हमने, तो उसको मेंशन कर रहे हैं. सो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर ए बी इज, इसको लैम्डा मेंशन कर रहे हैं एंड दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी. ये लेंथ ऑफ ए बी जनरली इज 10 मीटर, जनरली इज 10 मीटर. ठीक है, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर पता चल चुका है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ पता चल चुका है, तो अगर लेंथ ऑफ ए जे आपको पता है, लेंथ ऑफ ए जे, तो क्या आप वहां का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता सकते ए जे के क्रॉस? यस सर. So therefore potential difference across AJ nikal rahe hain. So potential difference across AJ that will be lambda multiplied with length of AJ. ठीक है? तो हमने potential difference across AJ calculate कर लिया है. इस simple से setup से potential difference across AJ calculate किया. But मेरा काम यहाँ पे AJ के across calculate नहीं करना है. मेरा काम है PQ जो terminal मैंने दिखा रखा है उसके across potential difference measure करना.
पीक्यू के बीच में बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा, हो सकता है बैटरी हो सकता है रेजिस्टेंस हो सकता है बैटरी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो सकता है कैपेसिटेंस हो, कुछ भी हो सकता है, पीक्यू के अक्रॉस कुछ भी एक कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है और उस कॉम्बिनेशन के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए उसने बोल रखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, ये जो एंड ए है, एंड ए को इधर से पी से लाके कनेक्ट कर दिया और एंड जो जे है उसको लाके इधर क्यू से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है आपको? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जॉकी जे जो है उसको हम एंड ए से एंड बी तक धीरे धीरे करके स्लाइड करके लेके जाएंगे और तब तक स्लाइड करेंगे जब तक मुझे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल जाती। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलनी चाहिए, तो अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब जे से क्यू वाला जो ब्रांच है उसमें कोई करंट नहीं है, राइट? और जे से क्यू वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो ए से पी वाले में भी कोई करंट नहीं है। Yes, sir. अगर जे से क्यू में कोई करंट नहीं है तो ए से पी में भी कोई करंट नहीं है, समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. और अगर ए से पी में करंट नहीं है तो ऊपर में जो करंट हम पहले दिखा रहे थे और बाद में जो होगा मतलब नल डिफ्लेक्शन के वक्त, वो दोनों सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये सारा कैलकुलेशन जो आई का किया और वी एजे का किया वो वैलिड है ना? है? Yes, sir. और अगर एजे के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी वही है और पीक्यू का मुझे पूछा है और तुम अगर ध्यान से देखोगे कि तो पोटेंशियल ऑफ पी इज पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ क्यू इज पोटेंशियल ऑफ जे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीक्यू व्हिच वाज टू बी फाउंड आउट इज एक्चुअली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजे आल्सो, है या नहीं है? Yes, sir. तो हमने मिल गया ना, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीक्यू चाहिए था, सो देयरफॉर potential difference across PQ will be equal to potential difference across AJ at null deflection. किसी के माइक्रोफोन से आवाज आ रही है काफी, थोड़ा बंद कर लीजिएगा बेटा। null का मल लिख दे रहे हैं, null. ठीक है, so therefore potential difference across PQ is also equal to lambda times of length of AJ. समझ आई आपको? Yes, yes. तो इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना स्ट्रेस वायर पोटेंशियोमीटर के, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ऊपर वाला ब्रांच एक है, मैंने ऊपर वाला पार्ट ऑफ सर्किट है वो एक इंडिपेंडेंट सर्किट है और नीचे वाला पार्ट ऑफ सर्किट है वो एक इंडिपेंडेंट सर्किट है, एंड सारे क्वेश्चंस बेसिकली इन दोनों सर्किट में आपको अलग अलग सॉल्व करके आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजे और पीक्यू इन दोनों को निकाल के फिर इक्वेट कर देना होता है, बट दैट्स इट, यही क्वेश्चन होते हैं इसके। क्या आपको बात समझ आई है? Yes, sir. पहला एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू बैटरीज, दो बैटरीज दे दिए और उनके ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हमें बोल दिया है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखो आप एक बारी, देखो ये टर्मिनल हमारा P है और ये टर्मिनल Q है, ये P ही ऊपर जा रहा था A से कनेक्टेड था और ये ऊपर जा रहा था वो J से कनेक्टेड था, याद है? Yes. This is connected to A and ये जो ऊपर जा रहा है this is connected to J. मैं वो पूरा पार्ट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट से यू नो अनरिलेटेड है, ऊपर वाला अलग सॉल्व होता है नीचे वाला अलग सॉल्व होता है। अब मान लो कि ये बैटरीज हमें दो पकड़ा रखे हैं उसने, एक ईएमएफ ई1 आर1, ईएमएफ ई2 एंड रेजिस्टेंस आर2, हमें ई1 ई2 नहीं पता है, उसने बस ये बोला है कि आप ये फाइंड आउट कर लो
कि E1 और E2 का रेशियो क्या होगा. तो E1 और E2 का रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करें, पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्विच S1 को क्लोज करते हैं. S2 को क्लोज मत करना, सिर्फ S1 को क्लोज करो. अगर सिर्फ S1 को क्लोज करोगे तो नल डिफ्लेक्शन में क्या किसी भी इन दोनों में से किसी भी बैटरी के थ्रू क्या करंट पास कर पाएगा? अगर S1 को क्लोज किया हमने तो क्या नल डिफ्लेक्शन में इन दोनों में से किसी भी बैटरी के थ्रू क्या करंट पास कर पाएगा? नहीं सर. क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ऊपर वाला ब्रांच के साथ नीचे वाले में, ऊपर वाला जो नेटवर्क था, मतलब जो पोटेंशियोमीटर वायर वाला सेटअप था, उसको नीचे वाले से कोई लेने देना ही नहीं है. तो ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से करंट फ्लो करके ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है. तो जो भी आपको सोचना है वो यहीं पे सोचना है कि यहाँ पे करंट फ्लो कर सकती है नहीं कर सकती है. अब अगर S2 खुला हुआ और S1 बंद है तो क्या करंट फ्लो कर जाएगा? नहीं सर. नहीं. तो अगर S1 को क्लोज किया हमने तो इवन तो इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी भी, तो भी टर्मिनल वोल्टेज आपको कितना मिलेगा? EMF ही तो मिलेगा ना. यस सर. सो देयरफॉर व्हेन ओनली S1 इज क्लोज्ड, अ बैलेंसिंग लेंथ, balancing length कहते हैं उसको. So balancing length of L1 was obtained and when only S2 was closed then L1 was obtained then a balancing length of L2 was obtained. So therefore, potential difference across PQ, अगर हम first case में बात करें, ये first case में, तो ये हो जाएगी EMF E1, and that will be equal to lambda times of L1 आएगा. फिर potential difference PQ के across, अगर हम second case में calculate करें, तो ये होगा EMF E2, and ये होगा lambda times of L2. तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो E1 और E2 का रेशियो आपको मिल गया, that will be L1 by L2. हो गया, ये comparison of EMF कर लिया आपने. एक और तरीके से इस EMF को compare कर सकते थे, अगर इन दोनों का जैसे हमने क्या किया है, parallel में connect किया है, इसको आप series में connect करके भी कर सकते थे. जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी setup को वापस से redraw करता हूँ एक बार, देखो आप. ये टर्मिनल हमारा P है, ये टर्मिनल Q है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है. ये ध्यान रखना, अकॉर्डिंगली वैसे ही सोचना है. ये EMF E1 रेजिस्टेंस R1, EMF E2 रेजिस्टेंस R2, ठीक है. फिर से मान लेते हैं कि हमें बैलेंसिंग लेंथ L1 का मिला, तो इस बार इक्विवेलेंट EMF कितने का है? E1 plus E2? Yes, sir. समझ आ रही है? और अब हम क्या करते हैं, इसको एक इसमें एक की पोलैरिटी को हम रिवर्स कर देते हैं. और फिर से बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं. इस बार बैलेंसिंग लेंथ आया है L2, तो इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाएगा? E1 माइनस E2? यस सर. राइट. तो इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ, मान लो इस सेटअप में बैलेंसिंग लेंथ दी है मैंने आपको, इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आई है L1. बैलेंसिंग लेंथ L1 और इस सेटअप के लिए बैलेंसिंग लेंथ आई है L2. सो देयरफॉर E1 प्लस E2 इसकी वैल्यू को लिखते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ L1, एंड यहां लिखते तो E1 माइनस E2 इसको लिखते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ L2. तो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 वुड बी L1 बाय L2, एंड देयरफॉर E1 बाय E2 अगर निकालते तो आता L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 माइनस L2. समझ आई आपको? ठीक है. तो मतलब कंपैरिजन करने के दो तरीके हो सकते थे, ये अल्टरनेटिव करके लिख लीजिएगा, दिस इज अल्टरनेटिव. ठीक है. मतलब एक तो है कि आपको कॉमनली जो दिखेगा ना वो ये वाला दिखेगा, ये वाला बहुत ज्यादा आपको दिखेगा, मेडिकल में बहुत ज्यादा काम इसका आता है, इसका डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट दे सकते हैं. हाँ, अगर ये भी आएगा तो भी तरीका आप ध्यान रखेंगे. इसमें एक एनालिटिकल क्वेश्चन भी हो सकता था, एनालिटिकल क्वेश्चन भी हो सकता था और उसमें आप फंस जाएंगे. इसमें एनालिटिकल क्वेश्चन ये हो सकता था, जैसे देखो इसमें E2 वाले बैटरी का पोलैरिटी को हमने रिवर्स किया,
ठीक है, हमें तो ये नहीं पता था ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्या हमें ये पता था? क्योंकि वही तो कंपैरिजन करना था, याद है आपको? यस सर। तो हमें तो ये नहीं पता था कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सपोजिटली हमने बड़े वाले को रिवर्स कर दिया था, मतलब E2 ही बड़ा होता, तो इस बार एंड Q हायर पोटेंशियल पे आता कंपेयर टू P, राइट? यस सर। अगर एंड Q हायर पोटेंशियल पे है एंड P से, और सर्किट में आप देखो, जो हमारा सर्किट है देखो, सर्किट में ऊपर वाले नेटवर्क को देखो, A और J में से कौन सा हायर पोटेंशियल पे है? A हायर पोटेंशियल है, तो हाँ। नीचे में भी P हायर पे होना चाहिए या Q हायर पे होना चाहिए? P हायर होना चाहिए। तो इसीलिए आपको नल पॉइंट ही नहीं मिलेगा। आप जब लेफ्ट से राइट तक पूरा घिस जाओगे अपने जॉकी को, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पूरा स्लाइड करके लेके चले जाओगे, आपको कहीं भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अगर कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन देते हैं कि वो बोल रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर सेटअप में हमें नल पॉइंट नहीं मिला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए और बी, जो मतलब ए साइड है हायर पोटेंशियल पे और बी साइड लोअर पोटेंशियल पे है, जबकि नीचे में उल्टा हो रहा होगा, मतलब क्यू हायर हो जा रहा होगा और पी लोअर हो जा रहा होगा, तब आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। समझ आई? Yes, sir. इसमें जस्ट ये मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ध्यान रह जाए। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इन दिस केस इफ E2 ग्रेटर देन E1, देन पोटेंशियल ऑफ P लेस देन पोटेंशियल ऑफ Q, बट पोटेंशियल ऑफ A ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ J, so there will be no balancing point obtained. समझ आ गई सबको ये? Yes, yes. ठीक है, सो दिस वाज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। ये एक स्टैंडर्ड हो गया। अभी दूसरी आते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन इज फाइंडिंग आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी यूजिंग अ नोन रेजिस्टर। अब इसका सेटअप कैसे है देखें, ये मान लेते हैं S1 है, ये S2 है, EMFE internal resistance था, ये Kaplan, ये NP है, ये NQ है, और वैसे ही आप ये मान के चलेंगे कि NP आपका A से connected है, NQ आपका J से connected है। अब फिर चाहते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, फिर पहले सिर्फ S1 को close करते हैं, only S1 is closed, तो potential difference across PQ, ये कितनी आएगी, E आएगी, है ना, क्योंकि current तो नीचे नहीं flow कर रहा है, राइट? यस ये फर्स्ट केस है, ठीक है, दिस फर्स्ट केस। तो इसको हम लिख रहे हैं, दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ L1, L1 वाज द बैलेंसिंग लेंथ, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, S1 S2 दोनों को क्लोज करेंगे, बोथ S1 एंड S2 क्लोज्ड, इस बार दोनों क्लोज हो रहे हैं। तो अगर दोनों को क्लोज करोगे तो करंट तो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा ना, अब कितना फ्लो करेगा, E by R plus R? करेगा। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और इसको भी क्लोज कर दूं, ये सेकंड केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो करंट फ्लो करेगा ना, एंड दिस करंट विल बी E बाय R प्लस R, और E बाय R प्लस R को अगर मैं कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ मिल जाएगा। यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ इन सेकंड केस, इसको आप E माइनस IR भी लिख सकते हो, या फिर इसको E बाय R प्लस R एंड दैट मल्टीप्लाइड विद कैपिटल R, ये भी लिख सकते हो, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा नहीं सॉरी, इसमें बैलेंसिंग लेंथ अब L2 आई है मान लेते हैं,
तो बैलेंसिंग लेंथ अगर L2 आई है तो इसको लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 लिख सकते थे यस सर। एंड अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, सो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या मिलेगा, ई ई कट गया एंड आर प्लस आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, इसकी वैल्यू आ गई है एल वन बाई एल टू एंड देयरफॉर स्मॉल आर की वैल्यू बिकम्स कैपिटल आर इनटू वन माइनस ऑफ एल वन बाई एल टू, सो दिस विल बी एल उल्टा क्या क्या बना स्मॉल आर बाई कैपिटल आर दिस इज वन वन माइनस एल वन बाई एल टू, ठीक है। तो अच्छा so this becomes L2 minus L1 divided by L2 into sir L1 by L2 minus 1 have ki ha ha TTD this will be L1 by L2 minus 1 sahi keh rahe ho L1 minus L2 divided by L2 theek hai into R. तो अगर आप देखोगे तो resistance हमें मिल गई है, so resistance becomes L1 minus L2 divided by L2 into R. इस पे तो straightforward result based question आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, बहुत सारे। तो result को अगर याद रखें तो ही अच्छा है। अब L1 minus L2 by L2 by into R करना है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बड़ा length से छोटे length को subtract करना है, divide by छोटा length करना है, into R कर लेना है, बड़ा minus छोटा by छोटा into R कर लेंगे। समझ आ रही है आपको? Yes, sir. Getting it, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay.